दो रह गोबिंद बता, दे। बता दे। देखिए हम लोग अनादिकाल से अपने हृदय में केवल एक को रियलाइज करते हैं एक एक शब्द पर ध्यान दो हम लोग अनादिकाल से अपने हृदय में केवल एक को रियलाइज करते हैं महसूस करते हैं अनुभव करते हैं प्राइवेट में प्राइवेट मैं जो सोच रहा हूं कोई नहीं जानता बगल में बीबी है बेटा है सब बेवकूफ बन रहे हम अकेले हैं अकेले बस सबसे बड़ी मिस्टेक गलती हम यही कर रहे हैं वेद <coughs> कहता है द्वा सुपर्णा सऊजा सखाया समानम वृक्षम परिखसव जाते क्यों पिपलम स्वादु थी और अनशन अन्यो अभी क्या कसाती दो सखा दोस्त कैसे दोस्त संसार की तरह नहीं सदा से साथ सदा से साथ रहे सदा साथ रहेंगे ऐसे दोस्त प्लस जो दोस्त अपने दोस्त की सदा हेल्प करता है सदा सदा चेतन, चेतना नाम ये जो आप लोगों का शरीर चेतन है और जो इंद्रिय मन बुद्धि वर्क कर रहे हैं इसकी शक्ति वो दे रहा है निरंतर ऐसा सखा हमको पता ही नहीं वो इतनी कृपा कर रहा है और वो ऐसा सखा नहीं संसार में जैसे बराबर की ताकत वाले होते हैं दो सखा कहते हैं भाई दोस्ती बराबरी से करो बड़े से दोस्ती करना बेकार है लेकिन वो इतने छोटे से कर रहा है दोस्ती कहा वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान भगवान और कहा मायाधीन तुच्छ ज्ञान वाला अल्प शक्ति वाला अनुचित जीव ये कोई दोस्ती है संसार में कोई खड़ब पति किसी भिखमंगे से दोस्ती करेगा और अगर कर ले तो सब हंसेंगे <laughs> गड़बड़ हो गया इसका देखो एक भिखारी के साथ साथ चल रहा है गले में हाथ डाल के बिल गेट्स सब हंसेंगे जबकि वो बिल गेट्स भी भिखारी है जरा बड़ा भिखारी है इतने फर्क है और वो तो सर्वशक्तिमान भगवान मायाधीश ज्ञानानंद युक्त हम ठीक उल्टे अज्ञानी भी दुखी भी अल्पशक्तिमान भी एक देशीय भी हो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्व व्यापक सर्वद्रष्टा सर्वनियंता सर्व साक्षी फिर भी सर्वसुर सबका सखा हमारे अनंत जन्मों के कर्मों का हिसाब रखता है नहीं तो अगर हम इस जन्म में 90 परसेंट या 99 परसेंट साधना में सफल हो गए भगवान के पास पहुंच गए एक परसेंट की कमी है और फिर से जन्म हो और वो फल न दे भगवान तो फिर एबीसीडी शुरू करें तो कभी भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती लेकिन पैदा होते ही कहा पैदा करेंगे हमको भगवान 99 परसेंट है ना हमारी साधना हाँ तो किसी महापुरुष के यहां बचपन से ही भगवान की भावना भर देंगे ध्रुव प्रहलाद की तरह और एक परसेंट की जो कमी रह गई थी वो दो दिन दस दिन बीस दिन महीना दो महीना में पूरी हो जाएगी एक कृपा नहीं है पोथा बन जाए भगवान की कृपाओं को अगर कोई लिखे तो ऐसा हमारा सखा है सोचो हम गधा का शरीर पाते हैं सुअर का शरीर पाते हैं गंदगी में घूमते हैं पाखाना खाते हैं पशु पक्षी बनकर पेट के लिए सारा दिन दौड़ते रहते हैं हमको बड़ा जानवर खा लेता है हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन भगवान हमारे साथ सदा रहता है लेकिन हम हम जो दुखी होते हैं वो नहीं होता प्रकाशादिवत नैवम प्यारा वेद अभ्यास ने एक ब्रह्म सूत्र बना दिया कि भगवान दुखी नहीं होता है दुख का असर उसके ऊपर नहीं होता वो खाली देखता रहता है आनंद ज्ञान युक्त होकर देखता रहता है जैसे आजकल ऐसी कारें बनती है कि उसके ऊपर गोली का असर नहीं होता ऐसी पोशाक बनती है उसके ऊपर गोली का असर नहीं होता नारा करो गोली ऐसे सीना ताने ऐसे ही भगवान के ऊपर माया काल कर्म गुण ये तमाम जो बीमारियां हैं हमको इसका असर नहीं होता रहता है हमारे पास अरे इतना पास रहता है कि यह आत्मनि तिष्ठति हम उसी में रहते हैं आनंद सिंधु मध्य तव बासा अंत प्रविष्ट शास्ता जना नाम वेद कह रहा है ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय शेर जुन तिष्ठति अवस्थित वैशेष्यादित चेन्न अभ्युपगमात हृदय ही ब्रह्मसूत्र कह रहा है हृदय ही एश आत्मा वेद कह रहा है प्रश्नोपनिषद सवा एश आत्मा हृदय वेद कह रहा है छादोग्योपनिषद सबके हृदय में वो रहता है अच्छे के नहीं बुरे के भी मनुष्य के ही नहीं पशु पक्षी कीट पतंग के ईश्वर सर्वभूतान जितने जीव है सब में सोचो संसारी सखा तो बने बने का साथी होता है आपका दिन अच्छा है ठीक है खराब हो गया अरे यार हो गया हो गया चलो अब उसके साथ चलोगे बदनाम हो जाओगे तो अनाज काल से वो हमारे साथ रहकर हमारी सेवा कर रहा है और हम बेपरवाह जो स्वार्थी है हमसे सेवा चाहते हैं उनको अपना माने बैठे हैं ये मम्मी है ये डेडी है ये बेटा है जो हमारे खून को चूसने वाले इनमें अपनापन है ये हमारे हैं रिलेटिव हैं हमारा इनसे रिलेशन ब्लड रिलेशन हमारे <laughs> ब्लड वाले बने एक बात जरा सी गड़बड़ हो जाए आ, बेटे बाप में कटाकट कत स्त्री पति में जटापट जब खत्म साथ ही मरेंगे साथ ही जिएंगे हाँ अरे बड़े बड़े प्रेमी हैं संसार में जहर की शीशी लिए रहते हैं सदा अगर हमारा पति मरा तो हम भी खा लेंगे ऐसे ऐसे धुरंधर प्रेमी लैला मजनू से भी आगे सब कोई नहीं है तुम्हारे वो सखा है ये बात जो मान ले बस काम बन जाए कुछ नहीं करना न साधना न भक्ति न कोई भगवत विषय कुछ मत जानो केवल मान लो अस्तित तत्व भाव प्रसीदति मान लो हमारे हृदय में वो बैठा है हर समय माने रहो थोड़ी देर के लिए मान लिया ये नहीं चलेगा जैसे मैं को सदा सर्वत्र रियलाइज करते हो मैं 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 जो मैं कल इलाहाबाद में था वही मैं आज मनगढ़ में हूं जो मैं रात को सपना देख रहा था वही मैं यहां बैठा हूं जिस तरह मैं को सदा सर्वत्र महसूस करते हो ऐसे ही अपने सखा को भी और ऐसा सखा है वो कहता है देखो भाई तुम हमको सब कुछ मान लो खाली सखा ही नहीं तुम्हारे दिमाग में ऐसे संस्कार हैं तमाम जन्मों के कि मां की भी होती है इच्छा तुमको हमारे मां होती बचपन में मर गई मां का प्यार नहीं मिला अनलकी बाप भी हो हमारा बाप बचपन में मर गया एक बेटा भी हो चार चार बेटी हो गई बेटा नहीं हुआ ये तमाम बीमारी है हम लोगों को एक दो जन्म की नहीं है सदा से है भगवान कहते हैं साहब हमको मान लो अरे पाप नहीं लगेगा तुमको हम बाप भी माने पति भी माने नहीं नहीं नहीं, नहीं पाप पाप हमारे यहां नहीं आता तुम्हारे मृत्यु लोक में रहता है भगवान के प्रति कोई भी भावना हो पाप पाप वहां नहीं पाप समाप्त हो जाता है वहां यहां तक कि भगवान को मार डालने की मंशा से जो राक्षस गए वो भी भगवान के लोक में गए वो चाहे पूतना हो अघासुर हो बकासुर हो, कोपड़ासुर हो कोई हो तो भगवान दृष्टा बनकर देखता रहता है तुम क्या करते हो और तुम्हारे पूर्व जन्म के किए हुए प्रारब्ध कर्म का फल भोगवाता है भोगना पड़ेगा उसमें स्वतंत्र नहीं हो तुम हम नहीं भोगते जी मेरी इच्छा ना, ना भोगना पड़ेगा ना भुक्तम क्षीयते कर्म ज्ञानी भुगत ज्ञान ते मूरक भुगत रोए भोगेंगे सब महापुरुष भी भोगेगा प्रारब्ध का भोग संचित भस्म हो जाएगा लेकिन प्रारब्ध भोगना पड़ेगा उसको भोगने में कष्ट नहीं होता लेकिन भोगना पड़ेगा यहां तक कि बड़े बड़े महापुरुष कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि चार साल जो कष्ट भोगना है चार देह धारण करके एक साल में खत्म कर दिया ऐसा करते नहीं है आमतौर से लेकिन कर सकते हैं लेकिन भोगना पड़ेगा प्रारब्ध कर्म यद्यपि भक्तों के लिए ये रियायत है कुतुम न भोगना चाहो तो कोई बात नहीं अग्नि भक्ति जो कही गई है उसमें प्रारब्ध अप्रारब्ध दोनों प्रकार के कर्म का वर्णन है कि आप प्रारब्ध को भोगे या न भोगे सद्य सवनाय कल्पते खत्म प्रारब्ध लेकिन भक्त भी पक्का है वो कहता है भगवान से कि महाराज आपके कानून के खिलाफ क्यों करें हम तो आपके भक्त हैं दास हैं आपके कानून को हम उल्लंघन करेंगे तो लोग भी उल्लंघन करेंगे इसलिए वह भोगता है उसका भी बाप मरेगा बेटा मरेगा सब जो कुछ होना है होगा तो ये बात हमको मान लेनी चाहिए कि हमारा परम हितैषी माता पिता बेटा सखा प्रियतम सब कुछ हमारे हृदय में सदा बैठा है सर्वत्र साथ रहता है इसका बार बार अभ्यास करना पड़ेगा ऐसे मेरे बोलने से आप नहीं कर लेंगे आप कुछ देर अभ्यास करेंगे हाँ बैठे हैं हाँ बैठे हैं फिर भूल गए मैं अकेला हूं अरे नहीं वो भी बैठे हैं बैठे हैं अंदर है अंदर है नहीं नहीं मैं अकेला हूं संसारी आदतें पड़ जाती हैं एक जन्म की तो नहीं छूटती आप लोग देखते हैं फिजिकल आदतें बहुतों की पड़ जाती हैं बोलने की आदतें ऐसा है कि ऐसा है कि हर वाक्य में बोलता है एक आदमी मतलब 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 कोई हाथ को यो यो करता रहता है बोलता रहता है ये संसारी चीजें जो एक जन्म में हमने गलत सीख ली वही हम नहीं छोड़ पाते ऐसे आराम से तो अनंत जन्मों का अभ्यास है अकेला मानने का अपने को इसलिए थोड़ा समय लगेगा अभ्यास करने में लेकिन हिम्मत नहीं हारो जितना पहले दिन अधिक मेहनत पड़ेगी दूसरे दिन कम तीसरे दिन और कम चौथे दिन और कम एक हफ्ते में और कम हो जाएगी और जल्दी जल्दी ये फीलिंग होने लगेगी तो अंदर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, फिर किसी को दुख देने की नहीं सोचोगे किसी के खिलाफ खराब चिंतन नहीं करोगे और बैठे हैं। नोट करेंगे तो फिर कृपा कैसे मिलेगी वो उसके हृदय में भी बैठे हैं हा कितना शांत तो हो जाएगा वो से तो इस प्रकार इस सिद्धांत को समझना है फिर मानना है फिर प्रैक्टिकल अभ्यास करना है